आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं और आपको बहुत ही जल्दबाजी है तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए हमने 200 ग्राम पनीर लिए और देखिए इस तरीके से बड़े बड़े पीसेज में थोड़े काटे, जिससे देखने भी टेस्टी लगता है और खाने में भी। तो हमने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेज में काट लिए हैं और यहाँ पर हमने एक पैन लिए हैं, 2 बड़े चम्मच देखिए रिफाइंड तेल डाल दिए हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हमें पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी सी फ्राई करना है। तो बस देखिए हम इसे दोनों तरफ से पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसे अब हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन में जो तेल बचा हुआ है मटर भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसे 2 मिनट फ्राई किए हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्राई में सरसों का तेल डाल दिए हैं 3 बड़े चम्मच, तो अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम 3 तेज पत्ते डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें देखिए हम लिए हैं ढेर सारे लहसुन, दालचीनी बड़ी वाली इलायची, 1 इंच अदरक, जावित्री, लौंग, 4 से 5 काली मिर्च। तो इन सारे चीजों को अब इसमें हम डाल देते हैं। इसे हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। तो यह बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज, इसे हम लंबे लंबे पीस में बिल्कुल पतले स्लाइस में काट लिए हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 2/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इससे प्याज बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसे ढक कर मीडियम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें हम 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे टमाटर अच्छे से पक जाए। 1 मिनट में टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, यानी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। देखिए 1/2 चम्मच लाल पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिक्स गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम 3 बड़े चम्मच पानी ऐड कर दे रहे हैं, जिससे कि मसाले पानी में अच्छे से फूल कर अच्छे से मसाले पक जाए। मसालों को ढककर पकाएंगे 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। मसालों के ऊपर खूब अच्छे से तेल आ गए हैं, यानी मसाले बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, इसमें कोई कसर नहीं है। इसे हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम छोटे वाले गिलास से 2 गिलास पानी ऐड कर दे रहे हैं। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर ग्रेवी आपको ज्यादा पसंद है। इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ढककर पका लेते हैं, जिससे ग्रेवी अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट में ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है। तो सेम इसी स्टेज पर फ्राई किया हुआ मटर, फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे और इसे डालने के बाद इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और 2 मिनट में इस पनीर मटर की सब्जी बनकर रेडी हो गया है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के बाद इसे हम सर्व करेंगे। कभी भी मटर पनीर की सब्जी बनाए तो उसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर छोड़ दें। तो देख सकते हैं 10 मिनट बाद इसे हम चेक कर रहे हैं गैस का फ्लेम बंद करने के बाद, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो आप सब एक बार इस नए तरीके से मटर पनीर की सब्जी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना तो पड़ोसी भी दौड़ कर आ जाएंगे, वाह क्या बना है आज इसके किचन में।
आज की रेसिपी यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।